हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निकिताज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज है धुलेटी यानी होली दहन के दूसरा वाला दिन, तो आप सभी को हैप्पी होली। और यहाँ देखिए हमारे ठाकुर जी की भी होली चल रही है और आज हम जा रहे हैं बाहर। बाहर कहाँ जा रहे हैं, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको सब पता चल ही जाएगा। तो चलिए पहले फटाफट से आप सभी को करा देती हूँ ठाकुर जी के दर्शन और आप भी उनके साथ होली मना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने साज श्रृंगार कर दिया है और सारे ही जो आज खेल खिलौने गोल्डन रंग के होते हैं वो आज के लास्ट दिन है, मैं सारे ही धरूंगी। उसके बाद ये सारे खिलौने रख दिए जाएंगे क्योंकि फाल्गुन उत्सव में ही इन्हें धरे जाते हैं। और देखिए कितने प्यारे लग रहे। होली खेलने के बाद का यह शूट है, मतलब मैंने पूरा ही होली खेल ली थी ठाकुर जी के साथ, रंगों की, कलर की, फूलों की, पानी की। और उसके बाद उन्हें नहलाकर फिर उन्हें उनके स्थान पर विराजमान किया है। तो कुछ ऐसा सा आज का दर्शन है, आप सभी कर लीजिए और आप सभी इसके बस अब जाह्नवी को लेकर। और देखिए सब हम पर निकल रहे स्टेशन की तरफ। तो निराली, मयूर और ये भूमि, जाह्नवी तो आगे चली गई थी। तो बस यहाँ से देखिए ट्रेन पकड़ी और हमने डायरेक्ट चर्च गेट की CST वहाँ तक की टिकट निकाली है। तो सभी हम ट्रेन में बैठ गए, अब देखते हैं कहाँ कहाँ पहुँच पाते हैं और कहाँ से कहाँ निकल पाते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए स्टॉप और कुछ गॉसिप फोटोशूट वगैरह सब चल रहा था और यहाँ मयूर डोर पे आके खड़े थे, मतलब अभी बस उतरना ही था तो हम लोग सब डोर पे आके खड़े थे। तो मुंबई सेंट्रल हम पहले तो उतरे क्योंकि सारी ही डिटेल्स निकाली ना, तो जहाँ जाना था वो तो आइडिया नहीं था चालू है कि बंद। बट हम मुंबई सेंट्रल उतर के देखिए कितना बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा। भले मैं मुंबई में रहती हूँ पर ये बाजू आना बहुत ही कम होता है। तो बस वहाँ से हम लोग टैक्सी करके अभी जा रहे थे म्यूज़ियम देखने के लिए। सो म्यूज़ियम तक पहुँचने के लिए थोड़ा समय था, तो ये कुछ हमारे नॉर्मली मैं आपको सब बता रही हूँ। देखिए यहाँ की बिल्डिंग कितनी प्यारी है, पता नहीं है सोसाइटी रेसिडेंसी है या कुछ बिजनेस एरिया है, बट किस तरह से है। और ये हम लोग फाइनली म्यूज़ियम पहुँच गए थे। सो बट हमारा बैड लक म्यूज़ियम था बंद, तो वहाँ से फिर से टैक्सी करके अब हम जा रहे हैं जू चौपाटी। तो ये देखिए ये है जसलोक हॉस्पिटल, काफ़ी बड़ा है, आप सभी ने नाम सुना होगा, जैसे नायर के, जसलोक, ऐसे अलग अलग बहुत हॉस्पिटल है। उसके बाद हम लोग बस पहुंच गए जू चौपाटी क्योंकि सारी ही जगह जहां जहां जाना था तो होली के चलते सारी जगह पर छुट्टी थी, मतलब बंद था। सो बस हम लोग यहाँ पहुँच कर भेल और चना भेल खा रहे थे। मुंबई आए और भेल नहीं खाया तो मतलब बात ही कुछ अजीब अधूरी अधूरी सी रह जाती है। मुंबई की पाव भाजी और वड़ा पाव ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप सभी जानते हैं। तो बस इसी तरह एक दो घंटे हम लोग ने जो चौपाटी पे टाइम पास किया, फ़ोटोशूट किया और काफ़ी लोग धीरे धीरे आने लगे थे। अभी जस्ट हम पहुँचे थे तो बहुत कम लोग थे, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग आ गए। और ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, इसे मुंबई का नेकलेस कहा जाता है। रात में देखने जैसी लाइफ होती है मुंबई की, बहुत बढ़िया लगता है। सो अब हम बस यहाँ से निकल कर जो बीच है आगे साइड वहाँ जा रहे थे, थोड़ा खाना वाना मतलब डिनर कर ले नॉर्मली। सो ये है मस्तालय, तारालय ऐसे भी इनका नाम है फिश का जो है, तो बस वही हम पहुँच गए। जाते जाते रास्ते में आया था बट हम लोग वहाँ नहीं गए थे क्योंकि वो भी बंद था होली के चलते। सो देखिए यहाँ हम लोग बीच साइड बैठकर मस्त चटाई मिलती है उस पर बैठकर अभी कर रहे हैं डिनर। और अभी बस शाम के बजे है 7 से 7:30 के करीब और हमने फुल टाइम पास किया क्योंकि हमें रात को जाना था कहीं, वो तो मैं आपको आगे बताऊँगी। सो देखिए यहाँ पर बस डिनर का इंतज़ार कर रहे और कितना प्यारा मौसम लग रहा है, मतलब बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ जाह्नवी की आइसक्रीम हमारे लिए, एक तवा पुलाव, और ये मयूर कुछ आइसक्रीम लेके आए थे, अलग डिफरेंट टाइप की थी, पता नहीं क्या था, मतलब आइसक्रीम थी बट कुछ अलग
बनाया था, और ये जानवी का चीज़ और बटर सैंडविच तो इसे बहुत पसंद आता है। सो बस ये सब हम लोग ने डिनर वगैरह कर लिया था और फिर गोला खाने के लिए आ गए थे। अलग अलग वैरायटी के अलग अलग गोला सबने खाए और उसके बाद हम लोग आ गए और टैक्सी करके गेट वे ऑफ इंडिया, मतलब हमें अब गेट ऑफ इंडिया देखने जा रहे हैं रात को। ये है मंत्रालय, आप देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा था वो मंत्रालय था। तो मैंने थोड़ा जूम करके आप सभी को बताने की कोशिश की, जो मुंबई का मंत्रालय है वो था ये। और बस यहाँ से अब टैक्सी करके हम लोग जा रहे हैं गेट ऑफ इंडिया, क्योंकि हमें वहाँ पर रात को ही जाना था। ताज वगैरह देखने के लिए काफ़ी बढ़िया लगता है, रात के समय पे लाइटिंग वगैरह बहुत बढ़िया होती है। वैसे तो आज का पूरा दिन कहाँ जाना था और कहाँ पहुँच गए, मतलब सब अजीब अलग सा ही हो गया। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया, या गेट ऑफ इंडिया ऐसे कुछ बोलते हैं। तो गेट ऑफ इंडिया पहुँच गए और ये देखिए, ये है वो प्लेस मुंबई की। सो यहाँ पर बहुत लोग थे, काफ़ी सारे लोग थे, और ये है ताज होटल, आप देख रहे हैं। एक्चुअली लाइट बहुत ज़्यादा होने के चलते क्लियर नहीं दिखता है, और यहीं पर बॉम्ब जो गुंडे नहीं, मतलब आतंकवादी आए थे, वो इसी होटल में रुके थे। उसकी विंडो अभी भी उस तरह से रखी हुई है, मतलब कांच नहीं लगाई है, नॉर्मली रखी है। और ये है गेट ऑफ इंडिया का जो बोट में घूमते हैं वो प्लेस, बैक साइड की प्लेस है। तो बस यहाँ पर बैठ के हम लोग बस ठंडा ठंडा पवन एंजॉय कर रहे थे और बहुत बढ़िया लग रहा था। और पानी की लहरें इस तरह से आ रही थी, ऐसे हमें साइलेंट दिख रही थी, बट इस तरह से आ रही थी ना कि बोट भी जो था वो लिटरली हिल रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। देखिए आज मून भी बहुत प्यारा लग रहा है और सब बहुत प्यारा प्यारा सा लग रहा है। ठीक है, जहाँ जाना था वहाँ नहीं पहुँच पाए, बट जहाँ भी पहुँचे बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। सो ये है बैक साइड, गेट ऑफ इंडिया की बैक साइड है। सो यहाँ से हम लोग राउंड मारते मारते जा रहे थे। आज वैसे बहुत कम रश था, हालांकि वैसे रश तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही, आप ऑफ डे में भी आएंगे तो आपको मिलेगा, बट आज थोड़ा कम भी लगा क्योंकि होली का त्यौहार था इसी चलते। तो बस अब गेट ऑफ इंडिया से निकल के ये थोड़ा नज़दीक से मैं आपको बता रही हूँ कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है पूरा ग्रीन ग्रीन। सो वहाँ से निकल के टैक्सी करके हम लोग पहुँच गए चर्च गेट। यहाँ से अब पकड़ेंगे ट्रेन एंड बाद में हम लोग चले जाएंगे घर पे। सो बस गेट ऑफ चर्च गेट स्टेशन पे पहुंच गए हैं और अब ट्रेन का इंतज़ार करेंगे और ट्रेन पकड़ के थोड़ा मस्ती मजाक करते करते, क्योंकि यहाँ से फटाफट निकल रहे थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, रात के 10 बज गए थे। सारा घूमते घूमते उसके बाद फिर घर जाओ, फ्रेश होना था, तो बहुत ज़्यादा लेट होता है, इसीलिए फटाफट से हम लोग ट्रेन के पास चले गए और ट्रेन पकड़ के अब जा रहे हैं घर पे। तो कैसी लगी आप सभी को आज की मेरी ये वीडियो, पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं विद अ न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।